नमस्कार, मैं प्रिया। आज है 12 मई। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बीपीएससी पेपर लीक मामले में आया 2 और अधिकारियों का नाम। बिहार में शुरू हुआ कोरोना टीकाकरण का महाअभियान। बिहार में दवा के नाम पर नहीं ले सकेंगे अब मनमाना दाम। बिहार में राज्यसभा की सीट के लिए आज से शुरू होगा नामांकन। बिजली चोरी करते पकड़े जाने पर लगेगा स्मार्ट मीटर। अब चले बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बीपीएससी पेपर लीक मामले में आया 2 और अधिकारियों का नाम। बिहार लोक सेवा आयोग 67वीं की संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा बीते 8 मई को राज्य के कई सेंटरों पर आयोजित हुई थी। इस मामले में पेपर लीक और फिर उसकी पुष्टि होने के बाद जांच की जिम्मेदारी आर्थिक अपराध इकाई को सौंप दी गई। इस मामले में अब तक 4 लोगों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। अब बड़ी खबर यह है कि ईओयू की एफआईआर रिपोर्ट में 2 ऐसे नंबर का जिक्र किया गया है जो दोनों सरकार से जुड़े बड़े अधिकारियों के हैं। एफआईआर में जिस नंबर से बिहार लोक सेवा आयोग के परीक्षा नियंत्रक को प्रश्न पत्र भेजा गया था, वो नंबर बिहार पंचायती राज के निदेशक और चर्चित आईएएस रंजीत कुमार सिंह का है। जब इस नंबर की और जानकारी ली गई तो ये नंबर वेबसाइट पर कॉन्टैक्ट में भी इस मोबाइल नंबर को वहां पर पाया गया। वेबसाइट का डोमेन चेक किया गया तो उसमें भी सारा डिटेल और आईएएस रंजीत कुमार सिंह और मोबाइल नंबर उनका मिला वहां पे। आज बिहारी पहचान में हम बात करेंगे जानकी वल्लभ शास्त्री की। आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री हिंदी और संस्कृत के कवि, लेखक और आलोचक थे। उन्होंने 2010 में पद्मश्री सम्मान लेने से मना कर दिया था। इसके पूर्व उन्होंने पद्मश्री भी नहीं स्वीकारी थी। वो छायावादोत्तर काल के सुविख्यात कवि थे। उत्तर प्रदेश सरकार ने उन्हें भारत भारती पुरस्कार से सम्मानित किया था। आचार्य का काव्य संसार बहुत ही विविध और व्यापक है। वो थोड़े से कवियों में रहे जिन्हें हिंदी कविता के पाठकों में बहुत मान सम्मान मिला है। प्रारंभ में उन्होंने संस्कृत में कविताएं लिखी, फिर महाकवि निराला की प्रेरणा से हिंदी में आए। शास्त्री जी का जन्म बिहार के गया जिले के मैगरा गांव में हुआ था। बिहार में शुरू हुआ कोरोना टीकाकरण का महाअभियान। बिहार में टीकाकरण का दायरा बढ़ाने पर ध्यान दिया जा रहा है। इसी उद्देश्य से स्वास्थ्य विभाग ने 2 दिनों के विशेष टीकाकरण की योजना बनाई है, जिसकी शुरुआत बीते दिन हुई। अब 14 मई को अगला टीकाकरण अभियान चलेगा। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार इस दौरान अधिकारी कम टीकाकरण कवरेज वाली आबादी के उस हिस्से पर ध्यान केंद्रित करेंगे जहां कम टीकाकरण हुआ है या फिर अधिसंख्या लोगों को कोविड रोधी वैक्सीन की एक डोज दी गई है। साथ ही लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए स्वास्थ्य अधिकारी घर घर जाकर टीकाकरण करेंगे। गर्मी के कारण लोग घरों से बाहर नहीं निकलना चाहते हैं, लिहाजा घर घर टीकाकरण अभियान होगा जिससे कवरेज में वृद्धि होगी। साथ ही 60 से अधिक उम्र वाले अधिसंख्या लोग कई कारणों से टीकाकरण केंद्रों पर नहीं जा पा रहे हैं। बिहार में होमगार्ड अब होंगे ट्रेंड। बिहार के होमगार्ड भी अब ट्रेंड होने वाले हैं। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार बिहार में पुलिस की सहायक इकाई के तौर पर समझी जाने वाले होमगार्ड की ट्रेनिंग अब पुलिस के जवानों की तर्ज पर होने वाली है। इन जवानों को ये विशेष तरह की ट्रेनिंग बेहटा स्थित होमगार्ड के ट्रेनिंग सेंटर में इसके लिए खास तौर से व्यवस्था की गई है। इनकी ट्रेनिंग स्टेट कमांडो की तरह ही होने वाली है और इसके लिए अब जो भी महत्वपूर्ण गुर है वो सभी इन्हें सिखाने का काम किया जाएगा। इन्हें इस तरह की विशेष ट्रेनिंग देने के लिए सेना के रिटायर्ड 20 सूबेदारों को बुलाया गया है, जिसमें ही गोरिल्ला वॉर टेक्निक, पाइप प्रैक्टिस, रोप क्लाइंबिंग समेत ऐसे अन्य विशेष तरीके शामिल हैं। हर वार्ड की जांच की जिम्मेवारी होगी अब इनके हाथों। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षी योजना हर घर नल का जल योजना पार्ट 2 के तहत ही बिहार के हर वार्ड की जांच तकनीकी सहायकों से कराने का निर्णय लिया गया है। इन सहायकों की जांच करने के लिए अब 200 रुपया प्रति वार्ड देने का भी निर्णय पीएचईडी ने ले लिया है। अब ये राशि सहायकों को ऑनलाइन मिलेगी। जैसे ही ये सभी सहायक एक वार्ड का काम पूरा करेंगे और रिपोर्ट अपलोड करने का काम करेंगे तो उन्हें तुरंत ही 200 रुपये का भुगतान मिल जाएगा। इसको लेकर विभाग ने सभी जिलों को जरूरी दिशा निर्देश भेज दिया है। पानी की जांच भी पीएचईडी ने शुरू कर दी है। इसमें उन्हें कुछ परेशानियां भी आने की उम्मीद है। जीविका को भेजे गए प्रस्ताव पर अनुमति मिलने के बाद इसकी शुरुआत हो जाएगी। पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड PTCUL देहरादून ने निकाली रिक्तियां। पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड PTCUL देहरादून ने टेक्नीशियन ग्रेड 2 के 65 पद पर आवेदन की मांग की है।
इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो अभ्यर्थियों के पास मैट्रिक या 10+2 विज्ञान और इलेक्ट्रिकल ट्रेड में डिप्लोमा या समकक्ष या देवनागरी लिपि का अच्छा ज्ञान और कार्य अनुभव के साथ टावर पर चढ़ने का ज्ञान होना अनिवार्य है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार अंतिम तारीख 17 मई 2022 तक आधिकारिक वेबसाइट www.ptcul.org पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। इसके साथ ही आप इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए URL से जाकर ले सकते हैं। बिहार में दवा के नाम पर नहीं ले सकेंगे अब मनमाना दाम। बिहार में मनमाने दाम पर दवाओं की बिक्री पर रोक लगने वाली है। स्वास्थ्य विभाग ने बिहार में मूल्य निगरानी संसाधन इकाई के गठन का निर्णय अब ले लिया है। ये इकाई देश के विभिन्न कंपनियों की दवाओं के वास्तविक मूल्य के अनुसार बिक्री प्रक्रिया की निगरानी करेगी। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार राज्य में अब तक इस इकाई का गठन नहीं किया गया था। इस कारण दवा विक्रेता कंपनी द्वारा निर्धारित विक्रय मूल्य से अधिक कीमत पर बाजार में धड़ल्ले से दवाएं बेची जा रही है। इसे अब नियंत्रित किया जा सकेगा। बिहार देश में 16वां ऐसा राज्य होगा जहां मूल्य निगरानी संसाधन इकाई का गठन होगा। ज्ञात हो स्वास्थ्य विभाग के सचिव की अध्यक्षता में पिछले दिनों हुई बैठक में इकाई के गठन की मंजूरी भी प्रदान कर दी गई है। बिहार के कई जिलों में बारिश को लेकर जारी हुआ अलर्ट। देश के कई हिस्सों में इन दिनों बारिश जैसे हालात है। मौसम विभाग की तरफ से जारी की गई जानकारी के अनुसार बिहार के कई जिलों में बारिश होने की पूरी संभावना जताई जा रही है। साथ ही मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट भी जारी किया गया है। दोपहर बाद मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी जो किया गया है उसके अनुसार प्रदेश की राजधानी पटना के दक्षिणी हिस्से के साथ ही जहानाबाद के इलाके में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। पटना मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से जारी अपडेट को देखें तो ये बताया गया है कि प्रदेश में बारिश होने की संभावना जताई गई है। इसमें ये भी बताया गया है कि पटना के साथ अरवल, भोजपुर, जहानाबाद में बारिश होने की पूरी उम्मीद है। आरक्षण को लेकर फंस सकता है नगर निकाय चुनाव। इस बार बिहार में मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव सीधे जनता के वोटों से होने वाला है। हालांकि चुनाव को लेकर अभी भी कई दाव पेंच फंसे हुए हैं। भले ही चुनाव को लेकर सरकार ने तमाम औपचारिकताएं पूरी कर ली हो लेकिन अब लोग इस सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं कि आखिर आरक्षण को लेकर सरकार क्या फैसला लेने वाली है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश ने अब बिहार में नगर निकाय चुनाव में आरक्षण की गणित को उलझा दिया है, जिसके तहत ही बीते दिनों सर्वोच्च न्यायालय ने मध्य प्रदेश सरकार के संबंध में एक आदेश दिया है जिसका असर बिहार के नगर निकाय चुनाव पर भी पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने फिर दोहराया है कि कोई भी राज्य सरकार बिना ट्रिपल टेस्ट कराए हुए ओबीसी वर्ग को स्थानीय निकाय चुनाव में आरक्षण नहीं दे सकती है। लखीसराय के अशोक धाम मंदिर में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। यहाँ के प्रमुख पर्यटन स्थलों में अशोक धाम मंदिर का नाम सबसे ऊपर है, जिसे इंद्रद्वनेश्वर महादेव मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर के बनने के पीछे भी एक रोचक कहानी है। बात 7 अप्रैल 1977 की है। अशोक नाम का चरवाहा प्रतिदिन गाय चराने के लिए जाया करता था। एक दिन गिल्ली डंडा खेलने के क्रम में उसने एक विशाल शिवलिंग को धरती के अंदर पड़ा देखा। उसने शिवलिंग को उखाड़ने की कोशिश की लेकिन वो उसे जरा सा भी हिला तक नहीं पाया। इसके बाद उसी स्थान पर इस मंदिर का निर्माण किया गया। तभी से इस मंदिर का नाम अशोक धाम मंदिर पड़ गया। 11 फरवरी 1993 को जगन्नाथपुरी के शंकराचार्य ने मंदिर परिसर के पुनर्निर्माण का उद्घाटन किया। इस मंदिर में शिवरात्रि और सावन के महीने में श्रद्धालु भारी संख्या में इकट्ठा होते हैं। शुरू हुआ पहले डबल डेकर एलिवेटेड रोड का निर्माण। बिहार की राजधानी पटना में सबसे अधिक व्यस्त रूट अशोक राजपथ पर पहले डबल डेकर एलिवेटेड रोड के निर्माण का काम शुरू हो गया है, जिसके बाद ही अब यहां ट्रैफिक की व्यवस्था में भी बदलाव कर दी गई है। गांधी मैदान से एनआईटी तक अलग अलग लेन में गाड़ियां चलेंगी। ये व्यवस्था सितंबर 2024 तक लागू रहेगी। बता दें कि अभी रूट में बदलाव किया गया तो लोगों को थोड़ी परेशानी भी जरूर हो रही है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि कारगिल चौक से एनआईटी तक इस डबल डेकर एलिवेटेड रोड का निर्माण होना है, जिसका शिलान्यास बीते 4 सितंबर को किया गया था, जो कि सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ही किया था। अब इन्हें मिला शिक्षा विभाग का पदभार। हाल ही में बिहार सरकार की तरफ से शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के लिए विरमित किए जाने के बाद ही अब बीते दिन शिक्षा विभाग में अपर मुख्य सचिव के पद पर दीपक कुमार ने पदभार संभाल लिया है। दीपक कुमार इससे पहले पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में थे। संजय कुमार केंद्रीय युवा कार्यक्रम विभाग में सचिव बनाए गए हैं।
वहीं अपना पद दीपक कुमार को सौंपते हुए संजय कुमार ने विभाग के बारे में जानकारी दी। इस दौरान ही संजय कुमार ने कहा कि 1.5 वर्ष से ज्यादा समय तक मैं शिक्षक विभाग में रहा हूं, मेरे लिए ये अच्छा कार्यकाल रहा और उदासी भरा भी रहा। वहीं दूसरी तरफ दीपक कुमार सिंह ने पदभार संभालते ही कहा कि सरकार जिन प्राथमिकताओं के साथ काम कर रही है उसे आगे बढ़ाया जाएगा। बिजली चोरी करते पकड़े जाने पर लगेगा स्मार्ट मीटर। बिजली चोरी करते हुए अगर अब कोई भी उपभोक्ता पकड़े जाते हैं घरों या संस्थानों में तो उनके स्मार्ट प्रीपेड मीटर उनके घर में लगाया जाएगा, यानी कि पोस्ट पेड मीटर के जरिए कनेक्शन नहीं दिया जाएगा। साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने इसकी जवाबदेही सिंगल फेज के लिए कनीय विद्युत अभियंता और 3 फेज के लिए सहायक विद्युत अभियंता को दे दी है। कंपनी ने निर्णय लिया है कि वैसे लोग जो बिजली का अवैध रूप से उपयोग करते हैं उन पर जुर्माना प्राथमिकी की राशि जमा करने के बाद उनका कनेक्शन स्मार्ट मीटर में बदल जाएगा। बिजली चोरी के खिलाफ अप्रैल में सघन छापेमारी अभियान चला है जिसमें साउथ बिहार के अंचलों में 1,14,886 मीटरों की जाँच की गयी जिसमें काफी मामले चोरी के सामने आए हैं, जिसके बाद ही अब ये निर्णय लिया गया है कि जहां पर भी चोरी पकड़ी जाएगी वहां स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगा दिया जाएगा। बिहार में अटकी बीएसएनएल की 4G सेवा। बिहार भर में बीएसएनएल की 4G सेवा अटक गई है। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार बिहार को मिलने वाला बेस ट्रांसमिशन स्टेशन दूसरे राज्य को आवंटित कर दिया गया है। ऐसे में अब बिहार के बीएसएनएल उपभोक्ताओं को इंटरनेट की तेज गति के लिए इंतजार करना पड़ सकता है, जिसके बाद ही अब दिन प्रतिदिन खराब होते नेटवर्क और घट रहे उपभोक्ताओं के बीच बीएसएनएल बिहार को भी बड़ा झटका लगा है। राज्य में स्वदेशी उपकरणों के साथ बीएसएनएल का पहला 4G नेटवर्क 15 अगस्त को लॉन्च होने वाला था। बिहार में 4,000 टावर लगाए जाने थे। एसटीईटी अभ्यर्थियों ने बाल मुंडवाकर किया प्रदर्शन। बिहार में शिक्षक नियोजन के 7वें चरण की बहाली स्थगित है। हालांकि सरकार ने आश्वासन दिया है लेकिन अभ्यर्थी मान्य का नाम नहीं ले रहे हैं। अब इसको लेकर पटना में सीटीईटी और बीटीईटी पास सैकड़ों अभ्यर्थी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हैं। बीते दिन भी धरना स्थल पर विभिन्न जिलों से आए अभ्यर्थियों ने जमकर प्रदर्शन किया। अभ्यर्थियों ने यहां हवन किया और उसके बाद बाल मुंडन भी करवाया। छात्रों ने साफ साफ कहा है कि सरकार हमारी बातों को नहीं सुन रही है, लगातार झूठा आश्वासन मिल रहा है, इसीलिए जब तक हम लोग की मांग पूरी नहीं होगी हम धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। बिहार के विकास के लिए नियोजित परिवार जरूरी। बिहार के विकास का काम आने वाले समय में और ज्यादा तेजी से दिखने को मिलने वाला है, क्योंकि परिवार कल्याण कार्यक्रम से राज्य के विकास में मदद मिलेगी। आबादी बढ़ने से सरकार के खजाने पर अतिरिक्त बोझ पड़ता है। उक्त बातें स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने परिवार कल्याण कार्यक्रम अंतर्गत राज्य स्तरीय 1 दिवसीय वार्षिक कार्यशाला के दौरान कही है। इस दौरान ही उन्होंने कहा कि आजादी के समय से ही सरकार परिवार नियोजन को लेकर काम करती रही है, इसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए परिवार नियोजन कार्यक्रम चलाया जा रहा है। परिवार नियोजन से शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और आधारभूत संरचनाओं के उचित विकास के प्रति बेहतर कार्य हो पाएंगे। सीएम नीतीश कुमार से मिलने पहुंचे तेजस्वी यादव। बिहार में जातिगत जनगणना का मुद्दा गरमाया हुआ है। सीएम नीतीश कुमार से इसीलिए बार बार विपक्ष इस मुद्दे को लेकर मांग भी कर रहा है। इसी बीच अब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया था। वहीं तेजस्वी ने बीते दिन सीएम नीतीश से इस मुद्दे को लेकर मुलाकात भी की है, जहां दोनों की इस मुद्दे पर बातचीत भी हुई। वहीं मुलाकात से पहले ही तेजस्वी ने मीडिया से बातचीत भी की थी। इस दौरान ही उन्होंने कहा कि हम मुख्यमंत्री से मुलाकात कर ये जानने की कोशिश करेंगे कि जातीय जनगणना कब कराएंगे। जातीय जनगणना को लेकर तेजस्वी यादव की पहल पर ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में सभी दलों का शिष्टमंडल प्रधानमंत्री से मिला था। हालांकि उसके बाद केंद्र सरकार ने जातीय जनगणना कराने से साफ मना कर दिया था। घोटालों की फाइल दबाने के लिए विश्वसरैया बिल्डिंग में हुई घटना। राजधानी पटना के विश्वसरैया बिल्डिंग में बीती सुबह सुबह लपटे देखने को मिली, जिसके बाद आग पर तो काबू पा लिया गया लेकिन इसकी चर्चा राजनीतिक गलियारे में आग की तरह तेजी से फैल गई। इस मामले को लेकर राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद के बड़े बेटे और विधायक तेज प्रताप यादव ने कहा है कि घोटालों की फाइलों को दबाने के लिए ये आग लगा दी गई है। ये लगी नहीं थी बल्कि लगाई गई है। अगलगी की इस घटना की उच्च स्तरीय जांच हो। तेज प्रताप ने मौके पर मुआयना करने के बाद ये बातें कही। बता दें कि राजधानी के नया सचिवालय के पास स्थित विश्वसरैया भवन में बुधवार की सुबह अचानक भीषण लपटे देखने को मिली। ये बहुत ज्यादा ही भीषण थी। इस मामले में बीते दिन सीएम नीतीश भी मौके पर बिल्डिंग का जायजा लेने पहुंचे थे। बिहार में राज्यसभा की सीट के लिए आज से शुरू होगा नामांकन।
बिहार में किंग महेंद्र प्रसाद के गुजर जाने से खाली हुई राज्यसभा की सीट पर चुनाव के लिए हाल ही में अधिसूचना जारी की गई थी, जिसके बाद ही अब आज से इस सीट के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू होने वाली है, जिसके बाद आगामी 30 मई को मतदान होने वाले हैं और शाम तक उसी दिन परिणाम की घोषणा भी कर दी जाएगी। वहीं अभ्यर्थी 19 मई तक नामांकन पत्र दाखिल करने का काम कर सकते हैं। नामांकन पत्रों की जाँच 20 मई को होगी। 23 मई नाम वापसी की आखिरी तारीख है। मतदान 30 मई को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक होंगे, यानी कि शाम 5 बजे तक परिणाम मिल जाने की संभावना जताई गई है। अमर पासवान ने विधानसभा सदस्य के तौर पर ले लिया शपथ। बोचहा विधानसभा सीट से जीते प्रत्याशी राजद के विधायक अमर पासवान ने बीते दिन विधानसभा सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण कर लिया है। विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा ने ही मौके पर उन्हें शपथ दिलवाई। सबसे खास बात यह रही कि इस दौरान नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी उनके साथ थे। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि हाल ही में सम्पन्न उपचुनाव में उन्होंने भाजपा की बेबी कुमारी को 36,658 मतों से पराजित किया था और ये जीत हासिल की थी। बोचहा विधानसभा क्षेत्र के विधायक मुसाफिर पासवान का निधन 24 नवंबर को हो गया था। वो वीआईपी से विधायक थे। पिछले विधानसभा चुनाव में ये सीट गठबंधन में वीआईपी को मिली थी। मुसाफिर पासवान विधायक बने थे, उनके निधन से ये सीट खाली हुई थी। शिक्षा मंत्री ने पेपर लीक के बाद मानसिक पीड़ा पर उठाया सवाल। बिहार में परीक्षा का आयोजन करवाने की उदासीन व्यवस्था से छात्रों पर तो पहाड़ टूट ही गया है, लेकिन शिक्षा विभाग को छात्रों की पीड़ा से कोई लेना देना नहीं है। कम से कम शिक्षा मंत्री के बयान को सुनकर तो ऐसा ही प्रतीत हो रहा है। बीते दिन जब मीडिया कर्मियों ने उनसे छात्रों को हो रहे मानसिक तनाव के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि क्या मानसिक प्रताड़ना हुई जो परीक्षा में प्रश्न पत्र वायरल होने की बात आई है और परीक्षा रद्द कर दी गई, इससे मानसिक प्रताड़ना हो गई। परीक्षा का पेपर लीक होता और परीक्षा रद्द नहीं होती तो क्या सभी लोग प्रसन्न होते? परीक्षा रद्द होने से जो भी सही परीक्षार्थी है वो खुश होंगे कि प्रश्न पत्र लीक होने की बात आई तो सरकार ने परीक्षा रद्द कर दी, इससे किसी को क्या प्रताड़ना हुई? दिल्ली में आज से शुरू होगा बिहार इन्वेस्टर्स मीट। देश की राजधानी दिल्ली में आज से बिहार इन्वेस्टर्स मीट की शुरुआत होने वाली है, जिसकी शुरुआत खुद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन करने वाली है। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार इस इन्वेस्टर मीट में बड़े निवेशक शामिल होने वाले हैं, जिसकी जानकारी खुद उद्योग विभाग के मंत्री शाहनवाज हुसैन ने दी है। उन्होंने ही बताया कि बिहार के उद्योगों को गति मिली है। उन्होंने कहा कि बेगूसराय के बरौनी में पेप्सी के बॉटलिंग प्लांट का शुभारंभ हुआ और पूर्णिया में ग्रीनफील्ड ग्रेन बेस्ड इथेनॉल प्लांट का शुभारंभ हुआ, जो केंद्र सरकार और बिहार की इथेनॉल पॉलिसी 2021 के बाद देश का पहला ग्रीनफील्ड ग्रेन बेस्ड इथेनॉल उत्पादन इकाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का सपना है कि बिहार उद्योग के क्षेत्र में अपनी पहचान बनाकर राज्यवासियों का सपना पूरा करे और ये जरूर पूरा होगा। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से दर्ज। जोधपुर की स्थापना 1459 में आज ही के दिन हुई। पुरंदर की संधि के तहत छत्रपति शिवाजी महाराज औरंगजेब से मिलने 1666 में आगरा पहुंचे। क्रांतिकारी रास बिहारी बोस ने 1915 को जापानी नौका सानू की मारू पर सवार होकर भारत छोड़ा। भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी शिखा पांडे का जन्म 1989 में हुआ। प्रसिद्ध दार्शनिक जिन्होंने हिंदू दर्शन पर अध्ययन करने वाले कृष्णचंद्र भट्टाचार्य का जन्म 1875 में हुआ। हिंदी कवि शमशेर बहादुर सिंह का निधन 1993 में आज ही के दिन हुआ था। आज ही के दिन को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। गूगल ने बैन कर दिए सारे कॉल रिकॉर्डिंग एप्स। गूगल ने हाल ही में गूगल प्ले स्टोर नियमों में बदलाव किया है। गूगल ने अपनी पॉलिसी में बदलाव के बाद एंड्रॉइड स्मार्टफोन्स के लिए थर्ड पार्टी कॉल रिकॉर्डिंग एप्स को बंद कर दिया। नई गूगल पॉलिसी के मुताबिक ऐप को लंबे समय तक प्ले स्टोर पर कॉल रिकॉर्डिंग के लिए एपीआई एक्सेसिबिलिटी की परमिशन नहीं मिलेगी। गूगल की तरफ से थर्ड पार्टी कॉल रिकॉर्डिंग को बंद करने की वजह सुरक्षा को बताया जा रहा है, जिसके मद्देनजर गूगल की तरफ से थर्ड पार्टी कॉल रिकॉर्डिंग ऐप को बैन कर दिया गया है। गूगल एंड्रॉइड 10 बेस्ड स्मार्टफोन में कॉल रिकॉर्डिंग ऐप को पहले से ही ब्लॉक किया जा चुका है। दिल्ली ने राजस्थान को दी मात। दिल्ली कैपिटल्स ने आईपीएल 2022 में बुधवार को खेले गए मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स को एक तरफा अंदाज में 8 विकेट से हरा दिया। राजस्थान ने टॉस गवाकर अपने बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 6 विकेट खोकर 160 रन बनाए। रविचंद्रन अश्विन ने सबसे ज्यादा 50 रन बनाए। जवाब में दिल्ली ने 18.1 ओवर में 2 विकेट खोकर टारगेट हासिल कर लिया। मिशेल मार्च ने 62 गेंदों पर 89 रनों की शानदार पारी खेली। डेविड वार्नर ने नाबाद 52 रन बनाए। इस जीत से दिल्ली के 12 मैचों में 12 अंक हो गए हैं और वो प्ले ऑफ में पहुंचने की
होड़ में बरकरार है। राजस्थान के 12 मैचों में 14 अंक हैं। वार्नर और मार्श ने दूसरे विकेट के लिए 144 रन की पार्टनरशिप की। मार्श नंबर 3 बल्लेबाज के तौर पर उतरे थे। ओपनर श्रीकर भरत पहले ओवर की दूसरी ही गेंद पर बिना खाता खोले आउट हुए। उनका विकेट ट्रेंट बोल्ट ने लिया। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर ने हमारे सवालों का सही जवाब दिया है उनके नाम है खुश कुमार यादव, गौतम कुमार, जूली सिंह, राहुल कुमार, गोनार शर्मा, रंजीत मिश्रा, सतीश कुमार, राजीव कुमार, पूजा कुमारी, मनीष श्रीवास्तव, लखनऊ लुका ब्लॉग, अरविंद कुमार, अमित कुमार, रविकांत यादव। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार बिहार में घूमने के लिहाज से कौन सा जिला सबसे ज्यादा सुंदर है? अपने जवाब में कॉमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।